This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So पहले हम 7 अगस्त 2020 की calls का review कर लेते हैं उसके बाद हम 10 अगस्त 2020 ले कौन से stock better रहेंगे रहे वो भी आपको बता देंगे तो पहला हमने जो स्टॉक आपको दिया था वो दार था श्री राम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस तो इसे हमें बाय करना था सिक्स सिक्स टू पर और शॉर्ट सेल करना था सिक्स फिफ्टी एट पर तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी बाइंग प्राइस थी बाइंग पहले जो हमारा बाइंग प्राइस थी वो यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट हुआ था पहला टारगेट प्राइस यहाँ अचीव हुआ सेकंड टारगेट प्राइस यहाँ अचीव हुआ थर्ड टारगेट प्राइस के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया था बट यहाँ जाके थर्ड टारगेट प्राइस भी इजीली अचीव हो गया था दूसरा जो स्टॉक मैंने आपको दिया था वो था यू पी एल यू पी एल फोर सिक्सटी फाइव पर मैंने बाय करने के लिए बोला था और शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था फोर सिक्सटी वन पे चार्ट में अगर मैं दिखाऊं तो ये यह यहाँ पे करीब फोर सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो पे ये ओपन हुआ था तो इसमें हमारी बाई की कॉल एक्टिव नहीं हो पाई ये क्योंकि हमारे बाइंग प्राइस पर यह ओपन हुआ था अगर आपने बाय कर लिया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा बट यहाँ पे कोई भी अगर बाय नहीं किया होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा और मैं बोलता भी हूँ अगर बाइंग प्राइस पे ओपन होता है तो आप उस कॉल में पहले वेट कीजिए गैप फिल होने का देखिए मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड करूँगा तो देखिए पहले स्टॉक में मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था टू 67 पे और शॉर्ट सेल के लेवल था 264 पे वहीं जो दूसरा स्टॉक था वो मैंने बाय करने के लिए बोला था आपका 1379 पे और शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था 1373 पे तो आइए दोनों स्टॉक का देख लेते हैं तो मोल टीके पैक में हमारा जो साइड का जो लेवल था देखिए पहले तो ये गैप अप ओपन होने के बाद इसने हमने गैप फिल किया एक मिनट का होल्ड लिया उसके बाद दोबारा जब ये बढ़ने लगा तो बाइंग प्राइस यहाँ पर हमारी जो थी बाय का लेवल ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव हो गया था सेकंड टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव हो गया था फाइव मिनट के चार्ट में ऐसा एक्रेट नहीं दिख पा रहा था इसलिए मैंने ये वन मिनट का चार्ट मैटर का यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक मिनट का होल्ड इसने यहाँ पे लिया था उसके बाद ये बढ़ा था जैसा कि मैं कहता हूँ गैप अप ओपन होने के बाद स्टॉक हमारी बाइंग प्राइस या फिर शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में हल्का सा होल्ड लेना चाहिए तीस सेकेंड या फिर एक मिनट का जैसा कि इसने किया अगले स्टॉक की मैं बात कर रहा था आई सी आई सी आई जी आई जिसमें कि आपका जो शॉर्ट सेलिंग साइड का टारगेट था वो इजीली फर्स्ट कैंडलस्टिक में ही अचीव हो गया था कैसे हुआ था ये ओपन हुआ था लगभग लगभग वन थ्री सेवन फाइव सेवन थ्री पे इसको शॉर्ट सेल करना था यहाँ पे हमारी शॉर्ट सेलिंग लेवल का जो था एक्टिवेट हुआ शॉर्ट सेल का जब लेवल एक्टि हुआ फर्स्ट टारगेट प्राइस सेकंड टारगेट प्राइस और थर्ड टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गया इसमें ज़्यादा भी कुछ आपको बताने वाली बात नहीं है बस मैं आपको टारगेट दिखा रहा था कि जो मैंने कहा था उनमें कैसा कैसा परफॉर्म किया यूपीएल हमारा गैप है ओपन हुआ था चलिए सब्सक्राइबर्स की कॉल देख लेते हैं एक बार देखिए टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने आपको कॉल प्रोवाइड की थी वो हमारे जो है सब्सक्राइबर्स पेड सब्सक्राइबर्स की कॉल थी उनमें से देखिए बंधन बैंक में टेक महिंद्रा और आईआईएल में आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता था यानी कि पांच स्टॉक बाकी के ये जो तीन स्टॉक थे इनफी सिंजिन और जो हमारा पॉलीप्लेक्स था इसमें जो हुआ हमारा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो गया था इसी के कारण जो है इसमें हमारे टारगेट अचीव नहीं हो पाए कई इसीलिए जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे कॉल प्रोवाइड की थी वो भी हमारे पेड क्लाइंट्स की कॉल थी कुछ लोगों ने उनमें प्रॉफिट कमाया तो कुछ लोगों ने इन तीन स्टॉक में प्रॉफिट कमाया बाकी कि ये तीन तो आज गैप ऑफ ओपन हो गए थे आप गैप ऑफ ओपन होना हमारे हो हाथ में नहीं है आप हमारी वेबसाइट पे विजिट मार सकते हैं इन लेवल्स को चेक करने के लिए कि क्या ये लेवल्स मैंने दिए थे आपको इन सब के लेवल्स क्या क्या थे आप वेबसाइट में विजिट मारेंगे इन सबके लेवल्स आपको मिल जाएंगे जो भी पेड क्लाइंट्स की हमारी कॉल थी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ जैसा मैंने आपको कहा मैं आपको बता देता हूं देखिए वेबसाइट में जब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आप क्लिक करेंगे आपको ये वेबसाइट खुलेगी वेबसाइट में जब आप जाएंगे आवर लेटेस्ट अपडेट में तो आपको सारे इन, जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताया किस किसके कैसे टारगेट अचीव है यहाँ पर इन सब के लेवल्स क्या थे उसके नीचे आप देखिए आपको हमारा प्लान सब्सक्राइब करने के लिए मिल जाएगा अगर आप प्लान चाहते हैं कि आप कोई सब्सक्राइब करें सब्सक्रिप्शन के बाद मुझे कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा चलिए ले चलता हूँ मैं आपको टेन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी की कॉल्स की तरफ सबसे पहला जो स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो चुना है बैंक इंदो बैंक देखिए बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा फाइव वन जीरो का टारगेट प्राइस रहेगा आपका फाइव वन टू फाइव वन फाइव और फाइव ट्वेंटी का स्टॉप लॉस रहेगा फाइव जीरो सेवन का वहीं शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपके फाइव जीरो की टारगेट प्राइस रहेगा फाइव जीरो फाइव पहला टारगेट प्राइस हमेशा मैं छोटा रखता हूँ छोटा किस लिए रखता हूँ ताकि अपना स्टॉप लॉस आप ट्रायल कर सको पहले टारगेट प्राइस पर रख के सेकेंड और थर्ड टारगेट प्राइस तक आप वेट कर सको तो आप क्या ऐसे में क्या होगा आप एक्सपीरियंस भी लेंगे मार्केट से प्लस जो आपका तार, फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपसे वो अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट आपसे डिडक्ट नहीं होगा चाहे आपका फर्स्ट सेकंड टारगेट छूट जाए मान ऐसा हो सकता है कि आपका फर्स्ट सेकेंड टारगेट प्राइस तक ये जाए पर आप और वेट करना चाहें और ये नीचे गिर जाए बट आपका फर्स्ट टारगेट नहीं छूटेगा तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले टारगेट प्राइस पर आप स्टॉप लॉस लगाइए उसके बाद सेकेंड और थर्ड टारगेट प्राइस का वेट कीजिए लेकिन ये कब लगाना है जब वो सेकंड जो फर्स्ट टारगेट प्राइस से जो स्टॉक की प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर चलेगी हो ना उससे ऊपर और के लिए एक ही सलाह है कि फर्स्ट टारगेट प्राइस पे आप बाहर आ जाइए ट्रेड से एक्सपीरियंस लेते रहिए उसके बाद अपना जो प्रॉफिट है उसे बढ़ाते रहिए शुरुआत में आपको छोटा छोटा प्रॉफिट ही करना है और सीखना है मेन मकसद है कि आप सीखें अगला स्टॉक है हमारा इंडिगो इसका मैंने आपको सॉरी शॉर्ट सेलिंग का लेवल का मैं वो बता रहा था टारगेट प्राइस टारगेट जो था हमारा 505 का रहेगा 502 का और 498 का वहीं स्टॉप लॉस रहेगा 509 का अगला स्टॉक है इंडिगो इंडिगो रहेगा 943 पे आप इसे बाय करेंगे टारगेट रहेगा 946 950 955 नाइन फिफ्टी नाइन फिफ्टी फाइव रहेगा नाइन अगर ये स्टॉक मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी स्टॉक अगर गैप ओपन होता तो आप क्या करेंगे की वेट करेंगे टेन ई का गैप फिल होने का गैप फिल कैसे होगा जो बाइंग प्राइस है और सॉर्ट सेलिंग प्राइस है उसके बीच में हल्का सा होल्ड है अगर गैप अप ओपन हुआ है तो शॉर्ट सेलिंग की तरफ अगर वढ़ रहा है तेजी से तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं उसे पर बाई के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो बीच में कहीं होल्ड है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में वहीं इसका उल्टा अगर गैप डाउन ओपन हुआ है और वो बाई की तरफ बढ़ रहा है तो आप बाई कर सकते हैं जैसे लेवल ब्रेकआउट हो बट शॉर्ट सेलिंग के लिए दोबारा से अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद आप शॉर्ट सेलिंग के लेवल की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए आपको होल्ड ज़रूरी है बाई और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में और ये सब होना चाहिए टेन एम के अंदर अंदर अगर टेन एम के बाद होता है तो आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे तो मैं था इसके स्टॉप लॉस की तरफ स्टॉप लॉस था इसका 938.50 का शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसकी नाइन की टारगेट प्राइस रहेगा 935.50 एज यूजुअल पहले पहला टारगेट प्राइस छोटा दूसरा रहेगा 930 का और तीसरा रहेगा 927 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 942 का आखिरी स्टॉक है हमारा एल जिसे आप बाय करके चलेंगे वन फाइव नाइन फाइव पे टारगेट रहेगा आपका सिक्सटीन हंड्रेड का सिक्सटीन हंड्रेड टेन सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी पहला टारगेट प्राइस किस लिए आप अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कर सकें स्टॉप लॉस रहेगा आपका पहला वन फाइव एट फाइव का शॉर्ट सेलिंग करेंगे इसे वन फाइव एट फोर पे टारगेट रहेगा वन फाइव एट जीरो का सेकंड टारगेट पैस जाएगा वन फाइव सेवन जीरो थर्ड टारगेट पैसा जाएगा वन फाइव सिक्स जीरो स्टॉप लॉस रहेगा रहे आपका वन फाइव नाइन फोर का और टेलीग्राम चैनल में मैं मॉर्निंग में एक कॉल और प्रोवाइड कर दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही आपके डिस्प्ले स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो WhatsApp नंबर है आपको स्क्रीन में आपका दिख गया होगा आप हमें WhatsApp कर सके कोई भी क्वेरी आपकी वो आप पूछ सकते हैं प्लस हमारी वेबसाइट का लिंक है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और मैं यही कहना चाहूँगा आखिरी में कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेलाइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें समझ आई होगी, कुछ चीज़ें पसंद आई एज अ बिगनियर आपको काफी चीज़ें समझ आ रही होंगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए तब तब के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो के साथ